हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। तो ये है मेरा जयपुर व्लॉग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था दिल्ली टू जयपुर बाय रोड का ट्रिप, और सेम डे का हम लोग गए थे बापू बाज़ार, जौहरी बाज़ार। तो वहाँ का मैंने आपके साथ शेयर किया था मार्केट का थोड़ा सा वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज आमेर का फोर्ट, हमारा प्लान है जाने का। तो मॉर्निंग हो चुकी है, नेक्स्ट डे है जिस दिन हम लोग आए थे उसके अगले दिन का। तो बस सुबह सुबह नींद खुल जाती है कहीं भी हम जाते हैं तो बस मैं थोड़ा सुबह की रौनक देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एरिया था जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो बस वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड और बेटा भी जग जाएँ तो हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लें और तैयार होकर निकलें, क्योंकि जो आमेर का फोर्ट है वो हमारे होटल से थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो हमारा प्लान तो यही कि हम 10:30 तक निकल जाएंगे, बट कुछ कह नहीं सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा निकलते निकलते। तो और फर्स्ट डे जैसे मैंने बापू बाज़ार वाले वीडियो में आपको शो किया था कि हम लोग कैब करके गए थे, बट आज हमारा ये प्लान है कि हम अपनी खुद की कार लेकर ही जाएंगे। पार्किंग वगैरह का कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो बस वेट कर रही हूँ, जैसे ही लोग जगते हैं बस चलते हैं हम लोग। तो रेडी हो गए हम लोग आमेर का फोर्ट जाने के लिए, बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और आमेर का फोर्ट जो है थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ और जा पाते हैं, या फिर वहीं से जाके आज वापस आ जाएंगे, फिर कल कहीं और जाएंगे। और रास्ते में हमने एक चीज़ और माइंड करी कि राजस्थान की जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपने ज़रा सा भी, आप खुद ड्राइव कर रहे हो अपनी गाड़ी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो आपका चालान तुरंत कटेगा। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको जाने दें, तो इसलिए बेहतर होगा कि जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए अच्छे से, खुद की सेफ्टी के लिए भी अच्छा ही होता है ये। और आमेर का फोर्ट हमें नज़र आने लग गया, ये सामने रहा। तो पार्किंग का हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें नीचे जहाँ पर बताया गया वहाँ पर पार्किंग की तरफ गए, तो वो फुल हो चुकी थी 1:30 बजे तक। तो वहाँ पर किसी ने हमें बताया कि आप पीछे से एक और रास्ता है ऊपर जाने का, तो आप उधर से चले जाओ। तो SBI का एक बैंक था, उसके बगल से ये रास्ता गया हुआ है। बहुत ही पतला सा रास्ता था, मुश्किल से दो गाड़ियाँ अंदर जा सकती थीं। तो यहाँ से एंट्री थी ऊपर की पार्किंग के लिए, तो हम लोग इसमें अंदर चले गए। और ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, थोड़ा सा तो यहाँ मतलब बीच में स्पेस दिखेगा आपको आगे जाकर कि थोड़ा जगह है, बट ये मुश्किल से ही दो गाड़ियाँ निकल सकती हैं, वरना एक ही गाड़ी के जाने का रास्ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टीप रास्ते पे चलाने के आदि नहीं हैं, आपको आदत नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस रास्ते पर, क्योंकि जो ट्रैफिक होता है वो लगातार मूव नहीं करता रहता है, बीच बीच में गाड़ियाँ रुकती हैं, वापस से आपको एफर्ट डालना पड़ता है आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो एक ये रास्ता हो गया ऊपर की पार्किंग का, और 50 रुपीज़ चार्ज है यहाँ की पार्किंग के। तो यहाँ से हम आगे चले, और दूसरे साइड से जो रास्ता था वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो, और एलिफेंट राइड भी मिलती है। तो उस समय हमें बताया गया कि 1100 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन के लिए है, बट ये मुझे आइडिया नहीं है कि वो राउंड ट्रिप के लिए था या वन वे के लिए था। तो उधर से आप पैदल भी आ सकते हो और एलिफेंट से भी ले सकते हो, और अगर आप नीचे गाड़ी पार्क कर देते हो तो आपके पास जो है ये ऑप्शन रहता है कि आप जीप करके भी ऊपर आ सकते हो, तो जीप राइड भी मिलती है, तो आप उससे भी करके आप ऊपर आ सकते हो। उसका चार्ज मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि क्या है। और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्टीप रोड है, यहीं पर साइड में लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं और कुछ पत्थर वगैरह रखे रहते हैं जिसको टायर्स पर टिकाना ज़रूरी होता, नहीं तो हो सकता गाड़ी मूव भी कर सकती है। और तो पूरा ये रास्ता जो है ऊपर तक आपको गाड़ी से ही पहुँचा देता है ये वाले रोड पर, कि आप बिल्कुल आमेर के फोर्ट में ही ऊपर जाकर पहुँचो। तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल से भी लगती कई बार कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और कब पहुँचेंगे कुछ आइडिया नहीं है। तो खैर पहुँच गए, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ऊपर है, ऐसे ढलान सा पूरा रास्ता है, ऐसे नीचे जाने का भी इसी तरीके से ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हो है। तो लेकिन ऊपर पहुँच के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमें लगा यहाँ पर। और ये आप सामने से जो देख रहे हो आने का रास्ता, ये दूसरे साइड वाला रास्ता जिधर से लोग पैदल भी आ रहे हैं, और एलिफेंट राइड भी उधर से ही आपको मिलती है। तो ये बहुत बड़ा सा आंगन सा एक वहाँ पर था जहाँ पर आप एंटर करते हो, फर्स्ट जो आंगन सा था। तो यहाँ पर हमें एक गाइड मिला, मतलब गाइड आप कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 200 रुपीज़ उस समय का चार्ज था, 2018 का मैं बता रही हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। तो उन्होंने 200 रुपीज़ लिए, और वो करीब 1 घंटे का टाइम लेते हैं कि 1 घंटे में हम आपको पूरा किला घुमा देंगे। और
और गाइड ने हमें ये भी बताया कि अगर आप यहाँ पर जयपुर के सारे मॉन्यूमेंट्स के घूमने के लिए कम्बाइंड टिकट होता है वो परचेज कर लेते हो, जो अराउंड 300 था अडल्ट्स के लिए और 40 या 50 रुपीज़ बच्चों के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे कि आप उसी टिकट को दिखाकर आप जयपुर के किसी भी मॉन्यूमेंट में जा सकते हो, तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिकट के लिए और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो हमने नहीं लिया ये सोचकर कि उस समय कि शायद हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, दो दिन का टाइम है हमारे पास, तो इसलिए हमने वहाँ पर नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है हमने गलती कर दी। आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी अगर आप जाते हो तो आप कंबाइंड टिकट ही ले लीजिए, जिससे कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट में जयपुर के जाकर उसी टिकट को दिखाकर आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, इतनी लंबी लाइन लगती है कि मतलब ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर रहता है कि आप वो ले लो। और सिंगल टिकट लेने पर 50-50 रुपीज़ एडल्ट्स का और अराउंड 15 रुपीज़ बच्चों का चार्ज पड़ता है। तो हम अंदर गए, यहाँ पर हमने शीश महल देखा और बहुत सारी जगह ऐसी दिखाई उन्होंने हमारे गाइड ने, और सब जगह की पूरी बातें हमें बताई। ये आप देख रहे हो जो ये इनका और लोग खाते थे डाइनिंग हॉल टाइप का जिसको कहते हैं, ये था। और हमारे गाइड साहब ने हमें एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जिसकी कहानी सुन के सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो ये है जिसको आप देख रहे हो, ये उस समय का टॉयलेट था जिसमें तीन सीट्स बनी हुई थी, यहाँ तो कैप्चर हुआ है दो ही पर एक तीसरी और थी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तीन लोग एक साथ बैठकर पॉटी किया करते थे। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सुनकर हमें मज़ा बहुत आया कि क्या टाइम हुआ करता था राजा अकेले पॉटी तक नहीं जाते थे। तो करीब 1.25 घंटे हो गए और हमने अपना ये आमेर का फोर्ट वाला जो है ट्रिप पूरा कर लिया और गाइड साहब हमें छोड़कर चले गए। थोड़ी देर हम लोग यूं ही बैठे रहे। साथ हमें जाना था बिरला टेंपल, तो बस बहुत चल चल के थक गए थे, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सोचा, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम लोग निकले। और बहुत ही मस्त रास्ता था, हर जगह पूरा आप देख रहे हो पहाड़ी पहाड़ हैं और रोड ही बहुत ही अच्छी थी। तो हम लोग अपना निकले और उसके बाद हम लोग पहुँच गए बिरला टेंपल। तो बिरला टेंपल भी काफ़ी बड़ा था और बाहर बहुत सारी पाव भाजी की शॉप्स थी और उन्हीं के साथ साथ लोग गाड़ियां भी उसी जगह पार्क करके जा रहे थे मंदिर के अंदर। कोई पेड पार्किंग नहीं थी यहाँ पर, बट काफ़ी ज़्यादा स्पेस था तो आप आराम से वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके मंदिर के अंदर जा सकते हो। अंदर आप देख रहे हो बहुत बड़ा सा ऐसे आंगन टाइप का बना हुआ था, इसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं और उसके अंदर जाकर राइट साइड को टर्न करके फिर आगे मंदिर था। तो ये सामने भी कोई किला टाइप का था पर हमें मालूम नहीं, हम यहाँ पर गए नहीं। तो और मंदिर के बाहर एक एरिया बना रखा है जहाँ पर आप बैग्स लेकर शूज़ अपने वहाँ पर रख कर और अंदर मंदिर के जा सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। और ये मंदिर है, मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना था, तो जो भी फ़ोटोज़ ली हमने बाहर से ली थी। और इसके बाद थोड़ा बहुत दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ पर ही बैठे रहे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठना। शाम हो गई थी, लाइट्स वगैरह जल गई थी, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग निकले और वापस जाने लगे अपने होटल की तरफ। थोड़ी सी भूख भी लग गई थी तो सोचा कुछ नाश्ता कर लिया जाए रास्ते में। तो रास्ते में जाते जाते हमें ये एक अंकुरित कचौड़ी वाली शॉप नज़र आई और यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतने लोग खड़े थे, तो लग रहा था यार कुछ तो अच्छा होगा जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। तो हम भी रुक गए और हमने भी यहाँ से कचौड़ियाँ ली। आप देख रहे हो कितनी झाबे भर भर के कचौड़ियाँ बन रही हैं और कहीं पर ये भेज भी रहे थे। तो यहाँ पर हमने कचौड़ियाँ ली अंकुरित और साथ में हमने मिर्ची वड़े लिए और साथ में हमने थोड़ा ढोकला भी ट्राई किया। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और कचौड़ियाँ भी काफ़ी टेस्टी थी। ये जो शॉप थी ये यहाँ पर अहिंसा चौक शायद बोलते हैं, वहाँ अहिंसा सर्कल के पहले थी और ये जो एरिया आप देख रहे हो इसी को अहिंसा सर्कल बोलते हैं। तो इसके बाद हम अपने होटल चले गए और वेट करने लगे अपने डिनर का। आधी बॉडी इंसान की आधी जानवर, ठीक, और फिर उसको जमीन पे रखा ना आसमान, उसको उठाया अपने घुटने पे रखा, ठीक है, मतलब दिन में ना रात, उसको शाम के टाइम, शाम का वक्त था, सुबह थी ना रात थी, तब उसका जो है पेट में नाखून चीर दिया। जिसने मृत्यु लोग में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो लोग जो है साइडवेज खोजते थे कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, कि ना दिन में मरूंगा ना रात मरूंगा, ना जानवर मारेगा ना इंसान मारेगा ना। तो ये जो है ऐसे करा के करते थे।